हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं टीटम स्नैक्स के लिए आलू गोभी के कटलर। और उसके बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक पाव फूल गोभी ली है और उसे मैंने ग्रेटर से अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है, यानी कि कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया है। उसके अलावा 3 उबले हुए आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज के, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है। और उसके अलावा ये देखिए, आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का, ये भी ग्रेट कर लिया है। और उसके अलावा 1 मीडियम साइज का प्याज को मैंने बहुत ही बारीक छोटा छोटा काट लिया है। और इतना सा मैंने हरा धनिया लिया है और ये 3 मैंने हरी मिर्च ली है। इसके अलावा हम इसमें ये देखिए चिली फ्लेक्स भी डालेंगे टेस्ट के लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो हमारे आलू हैं ये देखिए, मैंने इन्हें अच्छी तरह इसमें मैश कर लूँगी बर्तन में। ये देखिए, आलू को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अगर आप मैशर नहीं है तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हो इनको, ताकि हमें इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं चाहिए, इसलिए इसको बिल्कुल बारीक करना है आपको। अब मैं इसमें ये देखिए जो हमारी गोभी है वो मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, गोभी मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें ये देखिए जो प्याज मैंने छोटा छोटा काटा है वो भी डाल दूँगी, अदरक, हरी मिर्च और ये हरा धनिया। एक बारी बना के ज़रूर देखिए, देखिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए अमचूर पाउडर जो मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे एक नींबू का सत निकाल के वो भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी। ये देखिए 1 और ये आधा, मेरे पास 30 स्पून है इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाला है। अगर आपके पास बड़े वाला स्पून है तो आप 1 ही डालिए। उसके अलावा ये देखिए, मैं इसमें आधा चम्मच ये गरम मसाला डाल रही हूँ और मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। ये देखिए चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें जो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है, अब मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। ये देखिए, पहले मैं थोड़ा सा डालूंगी, मैंने आपको 3 स्पून लिए हैं ये। पहले मैं थोड़ा सा डाल के इसको करके देखती हूँ, क्योंकि ये हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं कि जिससे कि हमारे जो कटलर हैं वो अच्छी तरह बैंड हो जाएँ। ये देखिए, पहले इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, बाकी बचा कॉर्नफ्लोर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें कैसा पता चलेगा कि कॉर्नफ्लोर हमारा कम है या ज़्यादा है। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह बेंड कर रही हूँ और ये देखिए, ये अच्छी तरह हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें बहुत ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है और ना ही इससे कम। अब मैं इसको सभी को फिर अच्छी तरह ऐसे मिक्स करके ये देखिए साइड पर रख देती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो मैंने फ्राई पैन रख दिया है। अब मैं पहले इसमें ऑयल डालूंगी। मैं आज इनको डीप फ्राई नहीं करूंगी, सैलो फ्राई करूंगी, इसलिए सैलो फ्राई के अकॉर्डिंग ही इसमें तेल डालूंगी। आपकी इच्छा है, आप डीप फ्राई करना चाहते हो तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं कम तेल खाना पसंद करती हूँ इसलिए मैं आज इनको सैलो फ्राई ही कर रही हूँ। ये देखिए, फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको ऑयल कितना डालना है शैलो फ्राई करने के लिए। आप कोई भी टूथपिन ले लीजिए, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है इसलिए मैं स्पून से आपको बता रही हूँ। ये देखिए, सिर्फ इतना सा स्पून, ज़्यादा कि आधा इंच ही हमारा डिप होना चाहिए, उतना ही आपको इसमें तेल डालना है। और तेल आपको मीडियम आँच पर पकाना है। इसको ज़्यादा, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं उतना ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर हम उतना ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो हमारे जो कटलेट हैं वो बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इसको मीडियम आँच पर ही पहले जो ऑयल है उसे गर्म करिए। जब तक हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है, तब तक हम इसके कटलेट बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल इधर भी लिया है कटोरी में। अब मैं क्या करूँगी, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ताकि ये हाथों पे चिपके ना। ये देखिए, कटलेट आप अपनी मर्जी से गोल, स्क्वायर या ट्राइंगल, जैसे आपको खाने पसंद है आप वैसे बना सकते हो। इन्हें आपने ना ज़्यादा मोटा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। पतला बनाओगे तो वो टूट जाएगा और ज़्यादा मोटा बनाओगे तो फिर बीच से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, इसको स्क्वायर शेप में बना लूँगी। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको गोल खाना पसंद है तो आप गोल बनाइए, लेकिन मेरे बच्चों को स्क्वायर पसंद है तो मैं स्क्वायर बना रही हूँ। अगर आपको ट्राइंगल पसंद है तो आप ट्राइंगल भी बना सकते हो। ये देखिए, ऐसे इसको सेट करते हुए अब मैं इसको स्क्वायर जैसा बना लूँगी। ये देखिए,
ये देखिए हमारा एक कटलेट बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में रख दूंगी। ऐसे ही मैं सारे कटलेट बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए हमारे जो कटलेट हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको, ये देखिए मैंने ऑयल आपको पहले बताया कि ज़्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ मीडियम ही रखना है। ये देखिए अब मैं इसको ऐसे इसके बीच में छोड़ दूँगी। आपका फ्राई पैन जितना बड़ा छोटा उस हिसाब से डालिए। ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे, और ये एक पैन। अब मैं पहले मीडियम आंच पे इसको थोड़ा सा पकने दूंगी। ये देखिए हमारे जो कटलेट हैं वो एक साइड से सिक चुके हैं, दिख ही रहा है कि गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अब हम इसको जो झरनी होती है उसके साथ पलटी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ पलटी करेंगे तो ये टूट जाएंगे। आपको ऐसा कोई फोक ले लेना है और उसके साथ इसको ऐसे आराम से दूसरी साइड पलटी कर देना है। मीडियम आंच पे ही पकाना है, हाई आंच नहीं करनी है। अगर आप हाई आंच करोगे तो फिर वो बीच से नहीं पकेंगे और बाहर से ही पक जाएंगे, इसलिए आपको इसको मीडियम आंच पे ही पकाना है। ये देखिए ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैं इसको फिर दूसरी साइड पलटी कर दूंगी, ये देखिए, ताकि अगर थोड़ा सा भी कहीं कच्चापन है तो वो निकल जाए। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन बन के रेडी हुए हैं हमारे, ये देखिए गोभी, आलू गोभी के कटलेट। आप भी एक बार बना के देखिए, देखिएगा आपको कितने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ये देखिए अभी मैं दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा और पकने देती। ये देखिए हमारे जो कटलेट हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं झरनी के साथ, अब आपको निकालने के टाइम इसको झरनी से निकालना है। ये देखिए इसको ऑयल ऐसे निकालते हुए इसको बाहर निकाल दीजिए। चुप चुप। ये देखिए हमारे जो कटलेट हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। ये देखिए कितने यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं देखने में ही। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, देखिएगा आपको कितने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे ये आलू गोभी के कटलेट। ये देखिए, ये लीजिए हमारे आलू गोभी के कटलेट बन के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।